नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अंकित फार्मासिस्ट में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे हेपाक्लोराइड्स सिरप के बारे में, जानेंगे इसके यूजेस के बारे में कि किन किन बीमारियों में इसका यूज किया जाता है, और जानेंगे इसके कंपोजिशन के बारे में, और इसके प्राइस रेट के बारे में भी जानेंगे, और जानेंगे इसकी डोज के बारे में और साइड इफेक्ट के बारे में। तो दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बात करें हेपाक्लोराइड्स सिरप के बारे में, तो दोस्तों इस सिरप की मैन्युफैक्चरिंग हर्बल केयर रिसर्च इंस्टीट्यूट कंपनी द्वारा की जाती है। यह सिरप दोस्तों 200 ml के पैक में आती है। यह सिरप आयुर्वेदिक सिरप होती है। दोस्तों, बात करें हेपाक्लोराइड्स सिरप के यूजेस के बारे में, तो दोस्तों इसका यूज़ लीवर को मजबूत और स्वस्थ बनाने के लिए किया जाता है। इस सिरप के सेवन से दोस्तों भूख ना लगने की समस्या को भी ठीक किया जाता है, और पीलिया होती है जब किसी को, तब भी इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं। पीलिया में यह सिरप काफ़ी उपयोगी होती है। फैटी लीवर की समस्या में भी इस सिरप का उपयोग करते हैं। लीवर में सूजन हो तब भी इस सिरप का उपयोग करते हैं। दोस्तों, खून की कमी में भी इस सिरप का उपयोग किया जाता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा यह सिरप बढ़ाती है। पाचन की समस्या में भी इस सिरप का उपयोग करते हैं। पेट में गैस हो या पेट में जलन पड़ती हो तब भी इस सिरप का उपयोग करते हैं। इन सभी समस्याओं में दोस्तों इस सिरप का उपयोग करते हैं। यह सिरप लीवर टॉनिक होती है। इस सिरप का इस्तेमाल पाचन की समस्या या लीवर को स्वस्थ तथा मजबूत बनाने के लिए किया जाता है। और बात करें इस सिरप के कंपोजिशन के बारे में, तो दोस्तों इसमें निम्नलिखित इन्ग्रेडियंट प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि भृंगराज है, पुनर्वा है, कालमेघ है, मकोई है, कुटकी है, तुलसी है, हर्ड है, अमला है, बेड़ा है, और सर्वफुनखा है, और भुई अमला है, और सौंफ है, और कमली सोरा है, और नौसादर है, और भी इंग्रेडिएंट इस सिरप में प्रेजेंट होते हैं। इन सभी इंग्रेडिएंट से मिलकर दोस्तों यह सिरप बनाई जाती है। और दोस्तों, बात करें इस सिरप के प्राइस रेट के बारे में, तो दोस्तों इसका प्राइस रेट मात्र 130 रुपये है। यह सिरप आप किसी मेडिकल स्टोर से परचेस कर सकते हैं। और दोस्तों, बात करें इस सिरप के साइड इफ़ेक्ट के बारे में, तो इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि ये सिरप आयुर्वेदिक सिरप होती है, इसलिए सिरप के साइड इफ़ेक्ट बहुत कम देखने को मिलते हैं। अगर दोस्तों आप इस सिरप का सेवन करते हैं और आपको इस सिरप के सेवन से कोई भी साइड इफ़ेक्ट होता है, तो आपको अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। दोस्तों, आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों, अगर आप हेपाक्लोराइड्स सिरप के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो दोस्तों इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने ब्लॉग पोस्ट का लिंक दे दिया है। उस पर क्लिक करके दोस्तों आप हेपाक्लोराइड्स सिरप के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।